खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व सरकार गौधन न्याय योजना की शुरुआत आज से हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस के बाद रायपुर दुर्ग से गोबर खरीदी की शुरुआत की और इस योजना के तहत फिलहाल सरकार ने गोबर खरीदी के लिए गौठान फीस पारंपरिक कृषि जैविक कंपोस्ट और पशुपालन डीएमएफ कैंप और पंचायत के विभिन्न मदों से मिलने वाली राशि में से गौठान समिति को 10 करोड़ की राशि जारी की है। सभी योजनाओं की राशि को एकत्रित कर इसका उपयोग गोबर खरीदी में किया जाएगा। आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, यहाँ के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक बड़ा योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं, गोधन योजना का, जिसमें जो पशुपालक हैं उनको अतिरिक्त आमदनी होगा, गोबर बेच करके लोग पैसा कमा पाएंगे। और इस तरह का जो योजना है मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है। सबसे पहले तो हरी पर्व की सब बोला गाड़ो गाड़ा बधाई देवत हो और आज गोधन न्याय योजना के शुरुआत हुआ थे, मुख्यमंत्री के निवास में उद्घाटन कर रहे थे। बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश के किसान मन गरीब मन बहुत अब्बड़ खुश है कृषि योजना से और सब ला बहुत फायदा मिली। जबका बोला था ना कि प्रधानमंत्री ये दिए थे वो दिए थे, अगर ये योजना जब चालू है हो गए चालू तो गरीब मन अब्बड़ बहुत अब्बड़ फायदा हुई गरीब मन ला। जी हाँ, आज हरेली का पर्व है जो बेहद परंपरागत त्यौहार है हम लोगों का। इस त्यौहार को बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं और आज से मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना है, जो पूरे भारत में अपने आप में अनूठी योजना है और पूरे भारत में ये पहले क्रमांक पे आती है, जिसमें गोबर खरीदी की जाएगी और ग्रामीण जीवन का आर्थिक स्तर और कैसे रोजगार के नए अवसर, इन सारी संभावनाओं को लेकर के काम करने का अद्वितीय काम प्रारंभ किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। एमा ये चीज देखाओ कि गरवा मन के सफला भी हो ही, 2 रुपया किलो में ऊपर गोबर खरीदी, एक दिन के गोबर यदि 10 किलो भी हो थे एक गाय के पीछू तो 20 रुपया एक गाय के पीछू गोबर से कमा हूँ। वो गोबर जब गौठान में जाही तो गौठान में जिन वर्मी कंपोस्ट बनी तिन वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपए किलो में सरकार फिर खरीदी और ये वर्मी कंपोस्ट से आपन के खेत